तो गाइज इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा ये है उन यूट्यूबर्स के लिए जो पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके हैं एंड अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए हमेशा हमेशा के लिए रेडी हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे उन यूट्यूबर्स के बारे में जिनके वीडियो पर व्यूज़ ही नहीं आते, पूरी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, डिमोटिवेट हो चुके हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो और चैनल पर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टैक्स से रिलेटेड अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं तुमके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी न्यू क्रिएटर जब यूट्यूब पर आता है ना, तो उसका सिर्फ एक ही सपना रहता है कि मैं वीडियो को जब अपलोड करूँ तो मेरे जो वीडियो का व्यूज़ जो है ना, एग्जैक्टली 1K व्यूज़ तो मतलब आ ही जाए। उसका एक सपना रहता है जो भी न्यू क्रिएटर्स आते हैं, मतलब 1K व्यूज़ आ ही जाए मेरे वीडियो पर मैं जब वीडियो को अपलोड करूँ। जब उसके वीडियो पर व्यूज़ जब इंक्रीज नहीं होती, 10, 20, 50 व्यूज़ ही जब इंक्रीज होती है, तब उसके दिल पर बहुत ही डिमोटिवेशन टाइप का फीलिंग होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा मोटिवेशन पैदा कर देगा ताकि आप अपने YouTube चैनल पर बरकरार रहो, अपने YouTube चैनल को छोड़ने पर विवश ना हो। तो फ्रेंड्स, क्या कुछ होता है YouTube के न्यू क्रिएटर्स के साथ, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जब YouTube पर आता है, वीडियो पर व्यूज़ नहीं आती है, तब वो डिमोटिवेट सा हो जाता है एंड अपने YouTube प्लेटफॉर्म को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि YouTube पर अगर आप आते हो तो आपको YouTube को एज ए फ्रेंड के तौर पर, मतलब जैसे कि YouTube पर जैसे कि वीडियो अपलोड करते हो, तो आपको YouTube को छोड़ना नहीं है, वीडियो को हमेशा के लिए अपलोड करना है, अपने कंटेंट को इम्प्रूवल देनी है। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, अब छोड़ देते हैं, क्या बोलेंगे यार मेरा जो YouTube चैनल है वो ग्रो ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, बहुत सारा डिमोटिवेट हो चुका हूँ, मेरे अंदर में जो मोटिवेशन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है एंड मैं अपने YouTube चैनल को पूरी तरीके से छोड़ना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, उन यूट्यूबर्स को देखो जो कभी गरीब थे और कभी YouTube चैनल पर उनके YouTube वीडियो पर जीरो व्यूज एंड जीरो सब्सक्राइबर्स थे, जब उसने मेहनत किया, बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया, जो भी बिगिनर क्रिएटर्स अभी बने हैं उनके वीडियो पर व्यूज नहीं आती थी, तब उनके अंदर क्या फीलिंग होती होगी एंड अभी उनके YouTube वीडियोस पर लाखों के करोड़ों के व्यूज हैं एंड उनके चैनल पर लाखों के सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी बिगिनर क्रिएटर्स बनते हैं वो छोटे क्रिएटर से ही बिगिनर बनते हैं। तो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको हरदम मेहनत करते जानी है, अपने YouTube वीडियो पर मेहनत करते जानी है, वीडियो को अपलोड करते जानी है, आपको दूसरे को नहीं देखनी है। जैसे कि मान लीजिए दूसरे को देखोगे कि यार छोटे क्रिएटर्स को देखोगे, इसमें क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पैसों के माध्यम से, मान लीजिए आप जनरली एक कहीं भी समाज में कभी कभी सोशल में देखते होगे कि किसी के पास अगर पैसा है तो यार मेरे पास पैसा क्यों नहीं है, मैं मतलब पैसे को देखोगे लेकिन उसके अंदर में कितना मेहनत किया, क्या कुछ किया उसने वो नहीं देखोगे। क्या बंदा करता है कि उसके पैसों को देखता है कि यार वो कैसे पैसे कमा रहा है, कितना पैसा कमा रहा है, बस उसी को देखता है एंड उसी से अपने आप को कंप्रोमाइज़ करता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप क्या करो, अपने पैसन को देखो, ठीक है, अपने पैसन जो आपके अंदर में जो टैलेंट है उसको देखो एंड अगर आप एक YouTube क्रिएटर हो तो हमेशा के लिए YouTube पर मेहनत करते जानी है, आपको व्यूज़ नहीं देखनी है, ना ही आपका जो सब्सक्राइबर बेस है, आपको हार्डवर्किंग तो करनी है। जैसे कि आप हार्डवर्किंग, मान लीजिए आप वीडियो को अपलोड करते हो, अच्छा कंटेंट लाते हो, सब कुछ अच्छे तरीके से अपने वीडियो को अपलोड करते हो, अपने कंटेंट के साथ साथ अपने जो आपका स्मार्ट वर्किंग है, जो आपका क्लिकबैट एक होता है, क्लिकबैट आपको वो भी करनी है, तभी जाके आपका जो चैनल है वो ग्रो हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो तो आपको YouTube छोड़ना नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूँगा, आपको YouTube को दिखा देनी है, आपके अंदर में वो हौसला है, वो ताकत है कि आप YouTube पे ग्रो हो सकते हो एंड हमेशा के लिए YouTube पर जीत पा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, YouTube टिप्स से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाता रहता हूं तुमके लिए। तो मिलता बोले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।